शादी क्या बन जाए। अम्मा, ए शक्ति भाई, बाबूजी, अरे निकलो, कहाँ लुकाई के बैठे हो? अरे कहाँ चले गए सब लोग? पुलिस थाना? क्या बात है, अभी घर के लोगों को यही दिन देखना बाकी रह गया था। का तुम ही हमारी अम्मा और भाई को जेल भेजने का दिमाग लगाई हो ना? हमको पता है ऐसा करतूत ना तुम ही कर सकते हो। अरे हम का नहीं किए तुम्हारे लिए? इतना इज्जत दिया, इतना मान दिया तुमको, काहे लिए? ए लिए के तुम हमारे अम्मा और भाई को जेल भिजवाए दो? हम बताए रहे कि हमारा भरोसा तुम पर से ना उठ गया है बस। भाभी, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, हम आपको सब। अरे हमको कुछ नहीं सुनना है, और तुमसे तो एकदम ही नहीं। ये सब जो हम देख रहे हैं ना, ये काफी है। ए कोमलिया, का एकदम आते ऐसे बम गोला जैसे फटने लगी है? अरे जब पूरी बात पता नहीं ना, तो पहले सुन लो अच्छे से कि बात का है। अच्छा तो अब तुम भी चोच से चोच लड़ाई के बोलबो? अरे तुम ना चुप पे ही रहो, और तुम का सुनाओ बो? अरे मोखरी सुने के तुमरी, तुम कौन सरवन कुमार वाला काम कह के बड़ा तीर मारे हो? वैसे एक को बात बताओ, तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी महतारी को जेल भेजते हुए? अरे हमको तुमरी नहीं, तुमको हमरी बहन होना चाहिए था। अब भगवान जी से ये गलती हो गई है, इसलिए हम सबको इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तुम लोगों से फाई फाई करके तो कोनो फायदा है नहीं, इसलिए हमको ये बता दो कि भौजाई कहाँ है? अरे का हुआ, कोनो बताएगा कि शक्ति बहु भौजाई कहाँ है? कोनो जरूरत नहीं है बताने के लिए, हम खुद ही जाके देख लेंगे, अभी घर से हम इतने पराए नहीं हुए हैं। ए शक्ति बहु भौजाई। ए कोमलिया। कोमल भाभी। कोमलिया बात। कोमल भाभी। कोमलिया मेरी बात। ए भौजाई, क्या बात है, बड़ी आराम से यहाँ पड़े हो यार, तुमको कोनो फर्क नहीं ना का? अरे बताओ हमको, यही तो हम जानने आए हैं कि तुम्हारी मति भ्रष्ट कैसे हो गई। अरे तुम समझ नहीं पा रही हो का कि तुम का कर दियो? अरे तुम अपने सास और अपने पति को जेल भिजवा दियो। अरे कुछ समझ में आ रहा है तुमको या एकदम सुन पड़ गई हो? अरे पहली बार तो नहीं ना कि शक्ति भाई तुमको मारे पीटे हैं? और तुम तो जानती हो कि ये घर में मारा पीटी कोनो नई बात नहीं ना? तुम तो ये सब जानती हो ना कि ये घर के रीति रिवाज में शामिल है, जानती हो ना? अरे तुम इतना सब कुछ जानती हो तो काय घर में इतना बवाल मचा के रखे हो? अरे कुछ हो बोलो, अरे बोल बो। कैसे बोलेगी वो? आप कुछ सुनने के लिए तैयार हो तब ना? बीवी को शक्ति भैया ने इतनी बुरी तरह से और बेरहमी से पीटा कि ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता। इस सब कुछ के बाद उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं, और अगर आज उन्हें नहीं रोका गया तो आगे तो उनके मन को और बढ़ावा मिल जाएगा। कोमल भाभी, आप भी एक औरत हैं, और एक औरत होने के नाते आप
ये तो समझ सकती है ना कि अगर एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उस पर क्या बीतती है। इस माँ के बच्चे को तो पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। और झूठी मान मर्यादा और भड़कपन की बलि चढ़ा दिया गया दीदी का बच्चा। हम ये वक्त ना तुमसे कहनो बहस नहीं करना चाहते कि का सही और का गलत। और एक बात, तुम ही मामले से दूर रहोगी ना तो अच्छा है। कैसे कि ये बात शक्ति भाई और हमारी केसर भौजाई की बीच की बात है और तुमको ये मामले में ना ज्यादा उछल कूद करने की ना कोनो जरूरत नहीं है। ये कोमलिया एकदम ऐसी एकदम जद्दी गुस्साएल, बस बस कोनो दिमाग खराब होएगा, बस फिर नहीं देखेंगे। आंदे आंदे सामने जो कोई भी हो खोपड़िया घुमाए देते। संत की एकदम संत हमारी बहन है ना, लेकिन साले साहब की प्रतिज्ञा भी ना कम जिद्दी ना, जिद पकड़ के बैठी बस जिद। ये मानते हैं ओकरी बात सही है, वो जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन इतना सही करने का कोनो मतलब है का जो उन परिवार को ही तोड़ दे। देखो कृष्णा, प्रतिज्ञा को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो किसी का विरोध कर रही है तो वो जरूर गलत होगा, वरना वैसे नहीं करेगी। और वैसे भी सच्चाई का साथ देना कुछ गलत तो नहीं है ना। तुम वो भी साले साहब एकदम अपनी बहन की बोली बोल रहे। ओकरी भी सबसे बड़ी परेशानी है सही और ये गलत, बस काला सफेद ही देखती है और कुछ नहीं। अरे बीच का इलाका कब वो दिखाई नहीं देता। यही इतना समझ नहीं आता कि ये जो किताबी बातें हैं ये का असल जिंदगी से मेल नहीं ना, मेल नहीं खाती सारी बात। कौन समझा बिना मतलब का बवाल गुत्थे पड़ी। चार किताबें का पढ़ ली बस, झूठ सच कानून इंसाफ चापे पड़ी। अरे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, परिवार की बात ओकरे सच के चक्कर में पूरा पूरा परिवार टूट के बर्बाद हो रहा है। कोनो फर्क ही नहीं। प्रतिज्ञा बन जाए।